डिसीजन लिए हैं और अब मदरसा संचालक जो सर्वा सर्वे करा रही है यूपी सरकार, उस पर आपका क्या मत, क्या देवबंद से निर्णय लिया गया? सर ये बता दीजिए कि एक माहौल ऐसा चल रहा है, कुछ मौलाना जो देवबंद से शायद ताल्लुक नहीं रखते लेकिन मदरसा संचालक है, वो कहते हैं कि अगर सर्वे करने सरकार की कोई टीम आती है उसका स्वागत छूटे से कीजिए, उनके साथ हाथापाई कीजिए, तो क्या आप इसकी निंदा करते हैं? क्या आपका कहना है? सर यूपी में सर्वे चल रहा है, लगभग 50% से ऊपर सर्वे हो चुका है, देवबंद में भी लगभग 60% सर्वे आपके मदरसे का हो चुका है, लेकिन पीछे जब शाहीबाग में धरना चल रहा था NRC CEA, क्योंकि आज आप सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हैं तो ये सवाल बनता है, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है केंद्र सरकार, मोदी की केंद्र सरकार और यूपी की योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ है? मदनी साहब शुरुआत में आप लोगों ने आज जताया, मदनी साहब सर शुरुआत में आपको लग रहा था कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करने के लिहाज से ये, क्या अब आपको लगता है कि सरकार से टकराव नहीं चाहते हैं? तो मोदी साहब एक सवाल बनता है, आप पूछ लो, आप अच्छा सर एक सवाल ये बनता है, सरकार का ये कहना है कि मदरसों में इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ इस्लामिक लॉ के साथ साथ भारत के संविधान को लेकर भी पढ़ाई होनी चाहिए, साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए, कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए, तो आपको लगता है कि अभी मदरसे पिछड़े हुए हैं भारत के साथ खड़ा होने के लिए, मदरसों को क्या साइंटिफिक एजुकेशन जरूरी है? जिस तरह हमें इंजीनियर की जरूरत है, एडुकेट की जरूरत है,
डॉक्टर की जरूरत है, इसी तरह हमारी लाखों सीटों के लिए हमें इमाम की जरूरत है, हमें मौसिन की जरूरत है, 20-25 करोड़ मुसलमान के बच्चों के लिए दीन सिखाने की जरूरत है, जायज नाजायज बताने की जरूरत है। हम स्कूलों के अंदर डॉक्टर बनाते हैं, स्कूलों के अंदर इंजीनियर बनाते हैं, हम मदरसों के अंदर अपनी मस्जिद और मदरसों की जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन सर सवाल जब उठता है, जब सहारनपुर से 3 दिन पहले एक मदरसे में गुजरात ATF छापा मारती है, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल एक अंडर एजुकेटेड मौलाना को गिरफ्तार करती है, मदरसों से जो ये देश विरोधी ताकतें काम करती हैं, उसके लिए अरशद मदनी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती, नौमानी साहब की आवाज़ क्यों नहीं उठती, या यहाँ पे ये जलसा क्यों नहीं बुलाया जाता कि मदरसों का राष्ट्र विरोधी तक गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी परसों मेरे घर के अंदर मेहमान आते हैं, कोई आदमी आ सकता है, मैं उसको ठहरा लूँ और सुबह को उसकी तरह आ जाए से लोग बोला ये तो बेहतर कर जाए, हो सकता है किसी मदरसे के अंदर भी आ सकता है, मस्जिद के अंदर भी, मंदिर के अंदर भी आ सकता है, मेरे और आपके घर के अंदर भी आ सकता है, लेकिन मस्जिद या मदरसा इसके लिए जिम्मेदार है, कोई जिम्मेदार नहीं। मजम्मत करेंगे क्या यार, आप पूछो ना, आपको मना कर रहा हूँ, मुझे क्यों होगा जी, क्या बात कर रहे हैं, पूछा नहीं जा रहा सवाल, तो अभी पैच मत कीजिए ना, किसी खत्म होने पर कीजिए, किसी खत्म होने पर पैच करिए, मजबूत रखें, सफाई सुथराई को मजबूत रखें, अपने हिसाब को मुकम्मल रखें, जिस मदरसे के अंदर जमीन है अगर वो जमीन सही रखें आप, ये न हो कि जमीन मदरसे की नहीं है, आपने मदरसा कायम कर दिया, वो मदरसा कभी जिंदा नहीं रह सकता, आपके बच्चे रख रहे हैं उनकी जरूरत नहीं है, जो बच्चे छोटे हैं उनकी तालीम तबीयत खाना पीना रहना सहना हर चीज़ का ख्याल रखें, अगर इसके अंदर कोई खराबी होगी वो ही आपके मदद से या मैं अपनी जमीन को दान करता हूँ,
कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं, कोई शुभा नहीं, कोई मतलब अगर आप गवर्नमेंट की रवि पर मदरसा या मस्जिद बनाएंगे वो हकीकत ये है कि मदरसा और मस्जिद नहीं होगी अगर वो उसको तोड़ देते हैं। मैंने कभी कहा नहीं अति साहब, क्या कोई संदेह है इस सर्वे को लेकर आप लोगों में या फिर जो भी लोग आज शामिल हुए इस बैठक में, क्या कोई संदेह है इस सर्वे को लेकर? आज तो हमें कोई शक नहीं है, हो सकता है पहले शक, लेकिन आज जिस रास्ते के ऊपर लाली सर्वे की चल रही है अगर कोई उससे ये 15 दिन पहले उन्होंने जो किया और मदरसे वाले साहब, मैंने तो पहला सवाल आपसे यही किया था आज से हम मीटिंग में हुआ ये बता दीजिए, आपने सब कुछ तो बता दिया कि कहीं ये सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, आपने अपने लोगों को ये गाइड किया कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो गलत करना बंद कर दीजिए, सरकारी जमीन खाली कर दीजिए। हमेशा से आज नहीं सर, हमारे धर्म और इस्लाम की जय हमेशा यही है कि अगर मस्जिद आपकी जगह पर नहीं है और की जगह पर है वो मस्जिद नहीं है, मस्जिद जब होगी जब मस्जिद की जगह पर होता है। इसी तरह मदरसा अगर आप लोग मदरसे की जगह पर नहीं है तो मस्जिद नहीं है, तो मानी के प्रावधान है उसको चुनौती दी गई थी दिल्ली हाईकोर्ट में, आप लोग भी उसमें पार्टी बनना चाहते हैं। सर एक मौजूद सवाल बनता है, सर एक मौजूद सवाल बनता है, सरकार को ये सर्वे कराने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर मदरसा बोर्ड और जमीत लेना है या देखभाल जो गलत मदरसे चल रहे हैं, ऐसे बहुत से मदरसे हैं कागजों पे चल रहे हैं सर, वो चंदा ले लेते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कार्रवाई करते? सर्वे सरकार सर आप लोग भी तो कमांड कर सकते हैं। नमानी साहब, नमानी साहब बैठ जाइए। साल के बाद 5-7 साल का हम गैप दे करके रहेंगे,
7-8 साल के बाद जो भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आएगा उसका 10वीं पास करने वाला आपने कहा कि पहले संदेह थे सर सर सुनिए सर पहले क्या डाउट थे आप लोगों के मन में उसका क्या डाउट थे उसका क्या डाउट भाई साहब हिंदी वाली आई नहीं।